फ्रेंड कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे 7 क्वेश्चन बनाने के लिए, उसी को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे बहुत बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो हमारा यूट्यूब चैनल है एम मैथ मैजिक, इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज भी आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं SSC वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चन दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बनाते होंगे, और जो बना लिए होंगे उसको आज देखेंगे कि कैसे बनाया जाए, और जो बनाया वो सही है या गलत है। कह तो इसे एकदम सिस्टम से हम लोग क्लास के जैसे चलाएंगे। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको सॉल्यूशन करके आप लोग आएंगे, कल होंगे फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए आपके स्क्रीन पे होगा पहला क्वेश्चन, इसको देखिए हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है, 3 नलियां A, B तथा C अकेले कार्यशील है, कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि तीनों नलियां एक साथ खोल दिए जाए तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए A, B और C तीनों को लगते हैं 10, 12 और 15 घंटे, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिएगा अब बोला जा रहा तीनों मिलके, तो देखिए तीनों मिलके करेंगे तो टोटल काम तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल हो गया 60 का। 60 का देखिए 10 घंटे, यहां घंटा दिया हुआ आपको, देखिएगा आप लोग 10 घंटे में करते हैं 60 काम, तो एक घंटा में 6 काम, ये 12 घंटे में 60 काम, एक घंटा में 5 काम, आइए एक घंटा में 4 काम। तो तीनों का एक घंटा का काम होता है 6, 5, 11, 4, 15। तो तीनों मिलकर एक घंटा में करते हैं 15 काम, काम कितना करना है 60। तो लिखेंगे A+B+C का एक घंटा का काम बराबर 6 जोड़ 5 जोड़ 4, 15 काम करता है एक घंटा में। तो समय बराबर, समय क्या होगा, जो आदमी 15 काम करता है एक घंटा में, तो 60 काम करने में लगेगा 15 × 60, 4 घंटा आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको, 2 नल अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 3 तथा 2 घंटे में भर सकते हैं, तो यदि दोनों नल चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए 2 नल है A और B, और दोनों को टाइम लगता है 3 घंटा और 2 घंटा, तो तीन नल दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 काम टोटल हो गया 6 काम। तो 3 घंटा में 6 काम, ये 2 घंटा में 6 काम, तो 3 घंटा में 6 काम, तो 1 घंटा में 2 काम, 3 × 2 = 6, 2 घंटा में 6 काम, तो 1 घंटा में 3 काम। तो दोनों मिलके कुल काम को, देखिए 1 घंटा में दोनों करता है 5 काम, A+B का 1 घंटे का काम बराबर 3 जोड़ 2 यानी कि 5 काम। तो कुल समय तो 6/5, कुल समय देखिए टोटल 6 काम है, 1 घंटा में 5 काम करता है, अर्थात 1.2 घंटा। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, कल जो क्वेश्चन 7 दिए थे उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है। आज अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जल्दी।
और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अल्टरनेट वाला, ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। देखिए अल्टरनेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो नल है ए और बी, एक है आपका 4 घंटा और एक है आपका 6 घंटा। तो 1 घंटा ये काम करता है, फिर 1 घंटा ये काम करता है, अल्टरनेट काम करता है, टोटल काम हो गया 12। 4 × 3 = 12, 6 × 12। ये 1 घंटा में 3 काम करता है और ये 1 घंटा में 2 काम करता है। तो 1 घंटा ये करेगा तो 3 काम और 1 घंटा ये भी करेगा तो 2 काम। तो 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, तो कितना घंटा हो गया? 2 घंटा। तो 2 घंटा का काम बराबर, तो 3 × 2 = 5। हमको करना कितना काम है? कुल काम हमारा है 12। तो 5 2 घंटे में 5 का, तो 12 के समीप ले जाना, चूंकि 12 काम करना है, कैसे गुना करेंगे? तो 2 से, 5 × 10 का, यहां भी 2 से गुना करेंगे तो ये 4। तो 4 घंटे में हुआ 10 का, तो 4 घंटा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा, चौथा घंटा, बी का काम हो गया। अब बच गया कितना काम? शेष काम बचा कितना? शेष काम, तो हमारा काम था 12, इसमें से 10 काम हो गया, तो बचा 2 काम। तो अब ए करेगा, ए का समय इतना लिखना नहीं होगा। तो देखिए 2 काम और ए 1 घंटा में करता है 3 काम, तो 3 काम 1 घंटा में करता है, तो 2 काम करने में 2/3 घंटा। तो आइए देखिए कुल समय, तो कुल समय हमारा क्या हो जाएगा? यहां लगा 4 घंटा और प्लस 2/3, यानी कि 4.2/3 घंटा में यह पूरा काम खत्म हो गया। देखिए अल्टरनेट एकदम सिंपल है। फिर से समझ लीजिए, अल्टरनेट चूंकि थोड़ा सा हार्ड पड़ता है सबके लिए, पहले एक काम 1 घंटा करेगा तो 1 घंटा में 3 काम, फिर बी करेगा तो 1 घंटा में 2 काम, तो दोनों 1-1 घंटा किया था 2 घंटा, 2 घंटा में कितना काम? तो 3 × 2 = 5 काम। काम कितना करना? 12। तो 5 में कितने से गुना करेंगे? 12 के आसपास होगा, 2 से। जब 2 से यहां गुना कीजिएगा तो समय भी दुगना होगा, तो 4 घंटा में ये लोग 10 काम कर लेगा। 4 घंटा काम हुआ और 10 काम खत्म। तो पहला घंटा ये किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, 4 घंटा खत्म। अब कौन करेगा? तो ए करेगा, और ए करता है 1 घंटा में। देखिए 1 घंटा में 3 काम, तो हम यहां से निकाल सकते थे कि 3 काम 1 घंटा में, तो हमको काम कितना बचा हुआ है? 2 काम। तो 2 काम करने में कितना लगेगा? तो 1/3 × 2 अर्थात 2/3 काम। तो जोड़ दीजिए 4 घंटा पहले या 2/3 घंटा बाद, टोटल हो गया 4.2/3। नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हुआ। कदा एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं, लेकिन एक छेद के कारण 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो चलिए ये वो ए है, ये भरने वाला है, कोई बी होगा। अब ए और बी जब दोनों लगता है तो 10, तो कहता क्या है कि 10 मिनट ज्यादा लगता है। अगर इसको यहां 20 लगता है तो इसको 30 लगता है। क्यों? क्योंकि एक खाली करने वाला है। तो टोटल काम हो गया 60, 20 + 60 = 30। देखिए अब क्या होता है कि 1 घंटा में ही 3 भरता है, और जब दोनों मिलता है तो मात्र 2 ही काम होता है, अर्थात एक काम कम रहा है। क्यों? क्योंकि बी जो है, बी का 1 घंटा में बी द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग, किया गया भाग। तो देखिए 6, 3 काम था, 3 काम में से जब दोनों मिला तो मात्र 2 ही काम हुआ, अर्थात एक काम एक भाग बी क्या करता है? खाली करता है। तो उसको टोटल खाली कितना करना है? तो 60, यही काम है। तो बी का समय, बी का समय खाली करने में लगा सकता, तो 1 घंटा में एक भाग खाली करता है तो 60 भाग खाली करने में मिनट है, सॉरी 60 मिनट, आपके ऑप्शन में भी होगा। देखिए 60 मिनट, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था ये 60 मिनट। सीएचएसएल में पूछा हुआ है
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांच नंबर क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। पांच देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक टंकी में तीन नलियां हैं, तीन नलियां हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। पहली नली 3 घंटे, दूसरी नली 4 घंटे पूरा भर देता, तीसरी नली 5 घंटे में खाली करता, एक खाली करने वाला, देखिएगा टोटल एलसीएम 60 हो गया, 20 60, 15 14 60 और यहां आ जाइए 12 25 60, 12 भाग खाली करेगा। ए प्लस बी माइनस सी का एक घंटे का बराबर, तब 20 जोड़ 15 यानी 35 में से 12 गया, देखिए एकदम सिंपल है, तो घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा 23, तो 23 भाग भरेगा, ठीक है। तो समय एक घंटा में 23 भाग भरेगा, तो हमको कह क्या रहा है देखिए क्वेश्चन में, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो हमको भरना कितना है 60 भाग, काम तो यही है, तो एक घंटा में 23 तो 60 काम करने में, तो 60 बटा 23, 23 दूना 46, 46 4 50, 14 बटा 23 आंसर। देख लीजिए आपके ऑप्शन में है बी नंबर, 5 हो गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों नल खोल दे टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर, एक ए है और एक बी है, 40 मिनट भरता है और 60 मिनट में खाली करता है, खाली करने वाले के पहले माइनस का सिंबल, दोनों का एलसीएम हुआ 120, 40 दिए 60 दिए, तो ए माइनस बी का एक घंटे का, सॉरी एक घंटा नहीं मिनट में चल रहा है, तो मिनट का काम देखिए, तो ये 3 काम किया और ये 2 काम, जैसे 3 भाग भरा 2 भाग खाली कर देता, भरा कितना 1 भाग, तो हमारा कितना भाग भरना है 120, तो समय 120 मिनट अब बटा 1 यानी कि 120 मिनट लगा, 120 मिनट का मतलब होगा 2 घंटा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, साफ कहता है एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया गया, टंकी कितने में भर जाएगी, अच्छा यानी कि दोनों काम कर रहा है, देखिए नल ए है और बी है, एक को 40 मिनट में भरता है और 60 मिनट में खाली करता है, अभी जैसे बनाया तो वही क्वेश्चन, 120 40 दिन 60 दिन, ए माइनस बी का एक मिनट का काम बढ़ा, तो 3 माइनस 2 बराबर 1 भाग, समय जो लगेगा 120 भाग भरना है, तो 120 बटा 1 बराबर 120 मिनट में काम करना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन सब था, तो अब बताइए कि आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें लगेगा कि हाँ पढ़े, जो पढ़ेंगे वो कमेंट जरूर करेंगे और शेयर प्लीज जरूर करें, कोशिश करें कि डेली कम से कम कुछ ना कुछ बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा बच्चा के पास जो है यह शेयर, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी इसे पूर्ण रूप से, जैसे क्लास चलता है वैसे चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन है, उम्मीद है कि लॉकडाउन अभी काफी समय तक बढ़ेगा, हो सकता है तब तक आपका पूरा बुक खत्म हो जाए, जल्द इसके बाद हम लोग आएंगे, ये चैप्टर खत्म हुआ टाइम एंड डिस्टेंस लेके आएंगे, उसके बाद ट्रेन आएंगे, फिर बोट एंड स्ट्रीम लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही हम रीजनिंग का भी आप लोग के बीच सिलेबस लेके आएंगे, चलिए तब तक आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।